नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोपालगंज में होने जा रही है फिर नई नई गाड़ियों की नीलामी। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और अपना प्यार आशीर्वाद जैसे बनाए रखें अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जिला में नीलामी होती है सबसे पहले अपडेट पाते हैं। तो आइए हम आज गोपालगंज में जो नीलामी होने जा रही है उन गाड़ियों को हम दिखाएंगे। केस जो भी केस है जो आपको गाड़ी हम दिखाने जा रहे हैं वो गाड़ी आपको शराब की तस्करी में गाड़ियाँ पकड़ी गई है वही गाड़ी यहाँ पर नीलाम होती है बिहार में। अन्य सभी जिलों में बिहार में जितने भी जिले हैं सभी जगह पर नीलाम होती है। तो अभी हम गोपालगंज जिला की आपको गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जो कि बलैत्री चेक पोस्ट के उत्पाद थाना बोल सकते हैं, उत्पाद थाना की गाड़ी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो लिस्ट है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ट्रैक्टर दिखाना चाहता हूँ और नीलामी का डेट भी मैं चलते चलते बता दे रहा हूँ कि नीलामी का जो डेट है 19/12/2022 तक आप लोग नीलामी का फॉर्म भर सकते हैं। 21/12/2022 को नीलामी होगी, समरणालय सभा कक्ष में नीलामी की जाएगी, वहीं पर आपको पहुँचना है। तो चलिए हम आप शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम आप सभी को ट्रैक्टर दिखा देते हैं। तो आप बाहर में जो अंदाज़ा कीजिए कि इतना सस्ता गाड़ी आपको बाहर नहीं मिल सकता है जो हम दिखाने जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर आप लोग देख लीजिए, पहले मैं पूरी ट्रैक्टर की कंडीशन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ट्रैक्टर की कंडीशन देख लीजिए जो कि आपको बिल्कुल सस्ते दाम में मिलने जा रही है ट्रैक्टर। और ये ट्रैक्टर आपको सोनालिका की ट्रैक्टर है और लिस्ट भी हमारे हाथ में है। तो लिस्ट में हम आपको इसका दाम बता देते हैं। तो इस ट्रैक्टर का दाम है 1,50,000। 1,50,000 नीलामी के लिस्ट में इसका दाम रखा गया है। देख लीजिए सोनालिका की ट्रैक्टर कितनी नई है, चमचमाती ट्रैक्टर आपको मिल रही है और इस ट्रैक्टर में कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है जो कि आप लोग देख सकते हैं एकदम नई ट्रैक्टर है। जो केस है उसका कांड संख्या बता देते हैं, 57/22 इसका केस नंबर है। ये 2022 में गाड़ी पकड़ी गई है और उत्पाद थाना में ये गाड़ी लगी हुई है। BR 29L 9920 ट्रैक्टर का नंबर है और ब्लू कलर की ये ट्रैक्टर है जो कि काफ़ी आपको शानदार मिल रही है नीलामी में। आप लोग गोपालगंज में भाग लेके ये ट्रैक्टर 1,50,000 में ट्रैक्टर टाली दोनों सहित है। अब आप अंदाज़ा कीजिए बाहर में आपको ये ट्रैक्टर भी 3,00,000 में तक नहीं मिलेगा। और इसमें सोचिए कि आपको नीलामी में ही सिर्फ आपको ट्रैक्टर और टाली दोनों मिलने जा रहा है गोपालगंज की नीलामी में। तो सोचिए कितना अच्छा है। और ये ट्रैक्टर भी काफ़ी नया है, इसमें ईंट भी आपको मिलेगा और ट्रैक्टर टाली दोनों आपको मात्र 1,50,000 में मिला है। तो आप लोग छोड़िएगा मत, ट्रैक्टर टाली जरूर लीजिएगा। और हमारा तो नंबर आपके पास होगा, जो ले जाएंगे थोड़ा बताइएगा कौन व्यक्ति ले जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी ट्रैक्टर है। और आप लोग 1,50,000 नीलामी के लिस्ट में दाम है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें क्या होता है कि जो भी बोली लगाते हैं जैसे 1,50,000 दाम है तो 1,51,000-52,000 ऐसे बोली लगता है। और जो ज़्यादा बोली लगाता है जैसे मान लीजिए कोई 2,00,000 बोली लगा दी उसको ये ट्रैक्टर मिल जाएगी, जो ज़्यादा बोली लगाता है उसी को ट्रैक्टर दी जाती है। तो चलिए और भी गाड़ी हम आपको दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। चलिए 11 नंबर सीरियल पर जो नीलामी में की लिस्ट में गाड़ी है वो आपको हम बोलेरो दिखाने जा रहे हैं जो कि उत्पाद थाना में है। 71/22 इसका कांड संख्या है। बोलेरो देख लीजिए व्हाइट कलर की है और जो आप लोग 34 नंबर डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये 34 नंबर इस गाड़ी का है। और ये देख लीजिए इसका मात्र 3,50,000 रुपये दाम रखा गया है जिसका अभी तक प्लास्टिक भी गाड़ी का नहीं, पन्नी तक नहीं हटा, देख सकते हैं पन्नी तक नहीं गाड़ी का हटा है। और ये गाड़ी आपको काफ़ी शानदार मिलने जा रहा है, बोलेरो व्हाइट कलर की बोलेरो है, मात्र 3,50,000 इसका नीलामी की लिस्ट में दाम रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये इसलिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए केस नंबर दिया हुआ है गाड़ी का 71/22 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग खुद देख लीजिए। और ये बोलेरो आप हमारे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे बेसब्री से, हमें पता था थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा गला का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए। तो आप लोग ये गाड़ी ले सकते हैं मात्र 3,50,000 में और इसका अंदर का मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, देख लीजिए प्लास्टिक पन्नी तक नहीं हटा, गाड़ी एकदम नई है। इसमें आपको सिर्फ आगे डेंट करवा लेना है, देख लीजिए आगे थोड़ा सा डेंट करवा लेना है और आगे थोड़ा सा ये डेंटिंग का काम है जो कि आपको डेंट करवा लेना है। और मैं एक आप सभी को बात बता देना चाहता हूँ, इससे पहले इससे भी थोड़ा सा कंडीशन ख़राब था, वो गाड़ी 7,50,000 में बिकी थी और ये जो गाड़ी है आपको 3,50,000 में मिले। तो सोचिए कि नीलामी में ही आपको सस्ती गाड़ी मिलने वाली है, बिहार के किसी भी जिला में नीलामी होती है वहाँ पहुँची और आप लोग सस्ते सस्ते दाम में गाड़ी खरीद सकते हैं। और ये आप लोग को एकदम शानदार बोलेरो मिले, चारों तरफ से इसका कंडीशन देख लीजिए, चक्का भी इसका नया है, चक्का भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए चारों चक्का नया है, गाड़ी ही नया है तो चक्का भी नया होगा, इंजन भी नया होगा और ये सिर्फ आपको डेंटिंग करवा लेना है, देख लीजिए। चलिए हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि गाड़ी आप सभी को दिखाएं। और देखिए आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलिएगा।
ये देखिए, ये जो भी आप लोगों को गाड़ी अगर देखना है, ये जितने भी गाड़ियां यहाँ पे लगी हैं देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ यहाँ पे गाड़ी कार लगी है, फॉर्चूनर, जो भी गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ये गाड़ी बिहार में, ये थाना है मद्य निषेध थाना, यहाँ पे गाड़ी लगा रहता है, तो मद्य निषेध विभाग का जितना गाड़ी है बलथी चेक पोस्ट के पास लगा रहता है, तो यहाँ पे आप लोग आके गाड़ी देख सकते हैं, जो भी गाड़ी नीलामी के लिस्ट में हो वो देख सकते हैं। जैसे होता क्या है कि सरकार जिन गाड़ी पर रासत होता है वो गाड़ी का लिस्ट निकलता है और वो गाड़ी नीलाम होती है, तो नीलामी का जो भी अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। तो आइए हम और भी गाड़ी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो भी गाड़ी देख रहे हैं, ये जो भी गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये सब शराब की तस्करी में पकड़ी गई हैं। जैसे बिहार में शराब बंद है और इस सब गड़िया से शराब ढोता है सब, तो गड़िया पकड़ा जाता है, उसके बाद नीलाम होता है। तो चलिए, अब आप लोग सोचते हैं कि नया नया गाड़ी क्यों नहीं, तो चलिए अब आपको स्कॉर्पियो दिखाते हैं, एकदम नई गाड़ी है जो कि आप लोग नीलामी में भाग लेकर खरीद सकते हैं। ये भी स्कॉर्पियो एकदम नई है, जिसका नंबर देख लीजिए, DL4CNB1557 गाड़ी का नंबर है। आप ये गाड़ी देख लीजिए, पहले मैं गाड़ी दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए चक्का भी इसका नया है और ब्लैक कलर की गाड़ी, कितना अच्छा गाड़ी है कि आप लोग सोच, ब्लैक कलर तो मेरा भी फेवरेट कलर, आप लोग का भी फेवरेट कलर हो सकता है, लेकिन ये गाड़ी देख लीजिए, इसका केस नंबर देख लीजिए, 39/22 15 नंबर सीरियल पे ये गाड़ी है। और मैं इसका आपको सभी को केस बता देता हूँ, जो इसका केस है 39/22 इसका केस नंबर है और 125,000 इसका दाम रखा गया है। तो 125,000, सोचिए कि इतना शानदार आपको गाड़ी मिलने जा रहा है। गाड़ी का नंबर मैं फिर से दिखा देते, देखिए गाड़ी को थोड़ा सा जूम कीजिएगा, नंबर देख लीजिए, DL4CNB1557 गाड़ी का नंबर है और यहाँ पे केस नंबर भी दिया हुआ है, गाड़ी के आगे राधे राधे लिखा हुआ है। और गाड़ी एकदम देख लीजिए, अंदर से भी कोशिश करो, अंदर से भी थोड़ा दिखाइए गाड़ी को, अंदर से भी देख लीजिए गाड़ी को, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी एक बार देख लीजिए आप सभी, और गाड़ी पसंद आती है तो नीलामी में भाग लेके ये गाड़ी आप लोग ले सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को गाड़ी दिखाऊँ और ताकि आप लोग गाड़ी पसंद कर ले, और पसंद आती है तो नीलामी में भाग लेके ये स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं। इसमें आपको डेंटिंग कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ आपको स्टार्ट करके ये गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं। 125,000 नीलामी के लिस्ट में इसका दाम रखा गया है, तो आप लोग गोपालगंज पहुंच के ये स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं। 39/22 इसका केस नंबर है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 125,000 नीलामी के लिस्ट में दाम रखा गया है। ये ब्लैक कलर की गाड़ी का सीट से लेके आगे से चारों तरफ से, मतलब गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, आगे लाइट से लेके सब कुछ इसका A to Z अच्छा है, जो कि आप लोग 125,000 में ये गाड़ी खरीद सकते हैं। आप लोग को चक्का से लेके इंजन चेसिस से बाकी सब कुछ इसका ठीक है। जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग अल्टो भी ले सकते हैं, तो इसका केस नंबर भी है 44/22। देखिए केस नंबर लिख दिया गया है कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये लिस्ट के अनुसार बोल रहे हैं। आप लोग भी लिस्ट, आप लोग टेलीग्राम से जाकर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये आप लोग अल्टो 35,000 में मात्र ले सकते हैं, सोचिए आप लोगों को 35,000 बाहर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। गाड़ी का नंबर देख लीजिए, OR14J3350 ये अल्टो का नंबर है और मात्र 35,000 में मिलने वाला है। और इसका कंडीशन आप लोग देख लीजिए चारों तरफ से, 35,000 में आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है, सिर्फ नीलामी मिलने वाला है। तो आप लोग गोपालगंज पहुँच के नीलामी भाग लेके ये ले सकते हैं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गाड़ी दिखाऊँ, पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप सभी को गाड़ी दिखाऊँ। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद भी बनाए रखिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। मेरे गले का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये देख सकते हैं गाड़ी के चार, ये कंडीशन देखिए, इसका सीट भी देख लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीट भी दिखा दूँ अंदर का, कोशिश करता हूँ कि गाड़ी आप सब कुछ दिखाऊँ गाड़ी का। ये आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हम जो भी थाने में जाते हैं वहाँ पे गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं पूरी तरह से, चक्का से लेकर इंजन तक, ताकि आप लोगों को पता चले कि गाड़ी किस स्थिति में है, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो हमारे वीडियो से लगातार आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसका 35,000 दाम लगा है, तो आप लोग इससे ज़्यादा बोली लगा के ले सकते हैं गाड़ी, जैसे बोली लगता है जो भी लोग बोली लगा के ये गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये आप लोग अल्टो देख लिया, चलिए अब एक और दूसरा भी गाड़ी दिखाते हैं। चलिए अब आप लोगों को हम जाइलो दिखाने वाले हैं, लगातार बने रहिए वीडियो के माध्यम से। ये थाने में हम पहुंचे हुए हैं और थाने की, बिहार की ये उत्पाद थाने की गाड़ी लगी हुई है, यही गाड़ी आपको दिखा रहे हैं जाइलो। ये देख लीजिए जाइलो, पहले जाइलो का नंबर देख लीजिए, पटना का नंबर है 6861, अच्छा नंबर है, BR01PA6861। और ये जाइलो आप लोग पहले कंडीशन इसका देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कंडीशन पहले देख लीजिए और देख लीजिए इसका अंदर का कंडीशन देख लीजिए गाड़ी का। ये सीट भी इसका देख सकते हैं और आगे से लेके पीछे तक तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। सीट भी इसका नया है, चमचमाती सीट है और ये यहाँ से निकला हुआ है और यहीं पे है, जो कि आप लोग उठा के सिर्फ लगा देना और कुछ बाकी कुछ है नहीं। और बाकी यहाँ पे गाड़ी एकदम आपको अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है, तो आप लोग ये जाइलो ले सकते हैं। और इस जाइलो का मैं आप सभी को दाम बता देता हूँ, इस जाइलो 59/22 इसका केस नंबर है, 59/22 इसका केस नंबर है। और ये जाइलो का नंबर देख लीजिए, BR01PA6861
और इसका दाम है 2,50,000। तो 2,50,000 में आपको बाहर नहीं मिलने वाली है जाइलो, आप 2,50,000 में ये जाइलो खरीद सकते हैं गोपालगंज के नीलामी में आके पहुंच के। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, आधार कार्ड और आपका डीडी बनवा लेना है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट गोपालगंज के नाम से आपको डीडी बनवा लेना है। उसके बाद आपको अनुलग्न फॉर्म ए मिल जाएगा जो कि आपको कलेक्ट्रेट के बाहर ही मिल जाएगा। फॉर्म जो लोग बेचते हैं वो आपको नीलामी का फॉर्म दे देंगे, नीलामी का फॉर्म भर के आपको उत्पाद कार्यालय गोपालगंज में फॉर्म जमा कर देना है। 19/12/2022 से पहले आपको फॉर्म जमा कर देना है। अग्रधन राशि लग रहा है 20%, जैसे गाड़ी का दाम है 2,50,000 तो इसका 20% का अग्रधन राशि बनवा लीजिएगा डीडी। डीडी आपको अपने बैंक में जाइएगा, वहाँ पे आप जो आपका बैंक है वो चेक मांगेगा, अपने चेक लेके जाइएगा, वहाँ पे डीडी बन जाएगा आपका। एक्साइज सुपरिटेंडेंट गोपालगंज के नाम से चेक बनवा लीजिएगा। और जो जितने भी गाड़ी लेना है, जैसे आपको ज़्यादा गाड़ी लेना है तो ज़्यादा का डीडी बनवा लीजिए। फॉर्म के साथ आपका डीडी भी लगना अनिवार्य है, क्योंकि डीडी अगर मान लीजिए बोली लगा के ज़्यादा आप लोग अगर गाड़ी नहीं लेते हैं तो आपका डीडी जब्त हो जाता है। तो इसमें आप लोग सोच समझ के बोली लगाइए, जो भी व्यक्ति हैं सोच समझ के बोली लगाइए। चलिए यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूँ कि यहाँ पे फॉर्च्यूनर से लेके बड़ी बड़ी तमाम बसें ट्रक ये जो भी गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ये शराब की तस्करी में पकड़ी गई है। आज नहीं तो कल ये फॉर्च्यूनर भी नीलाम होगी। यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हम जो भी नीलामी की लिस्ट में आता है तो वो गाड़ी हम आपको दिखाते हैं। और ये देख लीजिए, ये हम दिखाना है इसलिए, ये देखिए ये जो ये शराब की बोतलें देख रहे हैं, ये यहाँ पे शराब जो पकड़ाता है वो नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे डीएम साहब जो एक्साइज सुपरिटेंडेंट राकेश सर भी आते हैं और यहाँ पे शराब को नष्ट कर दिया जाता है, ताकि आप देख लीजिए बिहार में बंद है और बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। और किसी भी गाड़ी में पकड़ा जाता है तो गाड़ी ऐसे ही जब्त करके किसी भी जिला का हो, किसी भी राज्य का हो, भारत कहीं का भी गाड़ी हो, वो पकड़ के वो गाड़ी नीलाम कर दिया जाता है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बिहार में व्यक्ति आ रहे हैं अगर आपके शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी गाड़ी नीलाम हो जाएगी। तो ये आप लोग फॉर्च्यूनर देख सकते हैं, ये भी अगली नीलामी में आएगी। आप लोग जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं नीलामी में गोपालगंज पहुँच के भाग ले सकते हैं। तो चलिए आप सभी को वीडियो अंत करने से पहले डेट बता देता हूँ, नीलामी का जो डेट है, जो फॉर्म भरने का डेट है 19/12/2022 तक आप लोग नीलामी का फॉर्म भर सकते हैं। जो नीलामी के बोली आपको खुद लगाने आना होगा गोपालगंज, आप भारत के कहीं किसी भी राज्य के निवासी आप लोग नीलामी में भाग ले सकते हैं। तो आपको बोली लगाने के लिए आना होगा यहाँ पे 21/12/2022 को नीलामी की जाएगी संग्रहालय सभा कक्ष गोपालगंज में। उसके साथ साथ 19 तारीख तो को जो जब आप लोग लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, आज से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग फॉर्म ऑफलाइन है तो आप लोग जाके उत्पाद कार्यालय गोपालगंज कलेक्ट्रेट में जाके सेकंड फ्लोर पे है, वहाँ पे जाके आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं। और फॉर्म में क्या क्या लग रहा है, आधार कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड लग रहा है, उसके साथ साथ डीडी और अनलॉग्ड फॉर्म ए और घोषणा प्रमाण पत्र और फोटो लगेगा, उसमें साइन करके आपको जमा कर देना है। जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं लिस्ट बाई लिस्ट आपको फॉर्म भरना होगा। और जो भी गाड़ी आप लोग लेंगे उसका अग्रधन राशि का डीडी बनवा लीजिएगा। डीडी एक्साइज सुपरिटेंडेंट गोपालगंज के नाम से बन रहा है, अपने बैंक में जाके अपने बनवा लीजिएगा एक्साइज सुपरिटेंडेंट गोपालगंज के नाम से। इस बार टोटल गोपालगंज में 54 गाड़ियों की नीलामी हो रही है, तो आप लोग गोपालगंज पहुँच के नीलामी में भाग लेके एक से एक बेहतरीन गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आप लोग आइए गोपालगंज, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार, जय हिंद।